अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी ये आज मैं ना सारे टॉयज देख रही थी जो बहुत ही ख़राब हालत में है ना, आज उनको बस साइड पे कर दिया ताकि उनको मैं बाहर रख सकूं। पता नहीं क्यों बच्चों को जो खिलौने सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं ना, वही उनके फेवरेट होते हैं और वो हमेशा उनके साथ ही खेलना पसंद करते हैं। अच्छा जी, खिलौनों का हुआ काम ख़त्म और अब मैं बनाने लगी हूँ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। मुझे ना बस दो ही मिल्क शेक अच्छे लगते हैं, एक मैंगो मिल्क शेक और दूसरा ये स्ट्रॉबेरीज़ का। बस आजकल शायद सीज़न है इनका स्ट्रॉबेरीज़ का, हमारे इधर काफ़ी स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं और इनका जो रेट है ना वो भी काफ़ी रीज़नेबल है। अगर कभी बाहर जाए ना तो रोड पर आ जाते हैं, जब सिग्नल बंद होता है ना तो वहाँ पर भी ऐसे बेचने आ जाते हैं स्ट्रॉबेरीज़, तो काफ़ी अच्छी प्राइस पर वो दे देते हैं। मेरे ख्याल से 10 रियाल में वो दो बॉक्सेस दे देते हैं। मैं तो बस सिंपल सा बना रही हूँ मिल्क शेक, और ये है कि अगर बहुत ज़्यादा इसको फ्लेवरफुल करना है तो फिर इसमें क्रीम भी डाल लें, आइसक्रीम भी डाल सकते हैं वनीला, लेकिन ना वो बहुत हैवी हो जाता है, तो इसलिए ना बस आज ये मैं फुल फैट मिल्क के साथ ही इसको बना रही हूँ। पहले बस थोड़ा सा मिल्क डालती हूँ ताकि जो ये स्ट्रॉबेरीज़ है ना ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएँ, उसके बाद फिर और मिल्क ऐड कर देती हूँ। स्ट्रॉबेरी शेक में शुगर तो लाजमी जाती है, वो फिर अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और जी ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक रेडी है और आज ना इसको एक डिफरेंट स्टाइल में सर्व करना मैं आपको बताऊंगी। ग्लास डेकोरेट करने के लिए मैंने ली है शुगर और लेमन जूस लिया है। सबसे पहले ग्लास के किनारे गीले करेंगे। इस तरह गीला करने के बाद फिर शुगर में इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और इस तरह ग्लास डेकोरेट हो जाएगा। इस तरह से बहुत खूबसूरत लगता है, कोई गेस्ट आए या कभी कोई स्पेशल इवेंट हो तो इस तरह ग्लास को डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह डेकोरेट करने के बाद चाहे फिर इसमें कोई सा भी जूस डाल दें या ऐसे मिल्क शेक डाल दें और सर्व करें, बहुत अच्छा लगेगा। कितना आसान तरीका है जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है, और इस तरह जितने चाहें आप ग्लास डेकोरेट कर सकते हैं। और अब इस डेकोरेट किए हुए ग्लास में मैं डालूंगी मिल्क शेक और इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करूंगी, एक स्ट्रॉबेरी कट करके सेंटर में से, तो वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। ये थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ऐसे आप भी कोई सा भी जूस या मिल्क शेक कुछ भी बनाकर ऐसे ग्लास को डेकोरेट करके अपनी फैमिली को ही सर्व करें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये ज़रूरी नहीं कि कोई गेस्ट आए तो तभी ऐसे काम करने हैं, घर पर भी ऐसे काम किया करें, फैमिली बच्चे सब बहुत इंजॉय करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, फिर मिलूँगी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।